सेवड़ा पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री, 7 तमंचे और 25 जिंदा कारतूस सहित हथियार निर्माण की सामग्री पकड़ी। पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं एसडीओपी सेवड़ा अखिलेश पुरी, गोस्वामी टीआई सेवड़ा राम बाबू शर्मा, दतिया पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा ने प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने एवं आम जनता में सुरक्षा की भावना को दृष्टिगत रखते हुए जिले में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सेवड़ा दतिया रोड पर सेवड़ा पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के दौरान मुखबरी द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अवैध हथियार ले करके वेरछा तिराहे पर खड़ा है। सूचना पर चेकिंग में तैनात पुलिस बल द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा, जिसने अपना नाम मनीष पिता भवर सिंह जाटव उम्र 21 साल निवासी वैरछा तिराहा सेवड़ा का होना बताया। मनीष जाटव की तलाशी के दौरान मनीष जाटव के कब्जे से एक देशी तमंचा 315 वोर व वेरल में एक जिंदा कारतूस और एक पेंट की जेब में जिंदा कारतूस मिला। आरोपी से तमंचा एवं कारतूस किया गया है बरामद। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक दतिया प्रदीप शर्मा ने आज पत्रकारों को दी। कई जगह जुड़े हुए हैं क्योंकि इतना सामान लोकली प्रोक्योर करना पॉसिबल नहीं है और ये जिस इलाके में है वहाँ से अंतर्राज्यीय सप्लाई करने का इनके पास स्कोप है। तो अभी इसमें जो दो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी। दो आरोपी और हमारे पास नामजद हैं, उनके संबंध में हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनको गिरफ्तार करके आसपास के ये एक तो सप्लाई कहाँ से इनके पास आई, चाहे ये सामान हो चाहे कारतूस हो, और कहाँ कहाँ तक अभी तक इन्होंने इस तरह के अगर कोई कट्टे सप्लाई किए तो वो कहाँ पे सप्लाई किए, इन दोनों बिंदुओं पर गहनता से विवेचना की जाएगी।